बॉलीवुड के 80 और 90 के दशक की स्टार एक्ट्रेस शांति प्रिया, जिन्होंने बॉलीवुड में मिथुन, अक्षय कुमार और सनी देओल जैसे सुपरस्टार्स के साथ काम किया है। शांति, जो कि अपने टाइम में सुपरस्टार थी, लेकिन फिर भी अक्षय कुमार जैसे न्यू कमर के साथ उनकी डेब्यू फिल्म में काम किया था। शांति ने साल 1991 में आई अक्षय कुमार की डेब्यू फिल्म सौगंध में काम किया था। शांति ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में अपने फिल्मी करियर और पर्सनल लाइफ को लेकर कई खुलासे किए हैं। शांति, जिन्होंने अक्षय की डेब्यू फिल्म में काम किया, जब कई सालों बाद वह उनसे फिल्म हॉलीडे के सेट पर मिली तो अक्षय ने उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। शांति ने कहा कि यस, आई हैव इन 2016 आई वेंट एंड मेट हिम ऑन द सेट्स ऑफ हॉलीडे व्हेन ही वाज डूइंग फॉर हॉलीडे। And Sonakshi, he is introduced to me that she's my first heroine and blah, 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 blah. Yes, I met him. The typical Akshay, yes, we were having fun, nice fun. I had lunch with him. I wanted to tell him that, yes, I'm coming back again. So if there is anything, yeah, just let me know. Keep it in your mind. And he said, yes, of course, I'll keep you in the mind. आगे शांति ने बताया कि फिर कई दिनों बाद शांति ने अक्षय से मुलाकात की। मैंने फिर अक्षय को बताया कि मैं फिल्मों में वापसी करना चाहती हूँ। इस दौरान अक्षय ने मुझसे कहा कि ही सेड, अभी तो हीरोइन तो बन नहीं सकी है। आई लाइक, व्हाट डू यू मीन, यू तो डूइंग हीरो, तो व्हाई कैन नॉट आई प्ले हीरोइन? बट शांति, यू नो दैट। आई सेड, या आई नो दैट, सो दैट्स नथिंग आई एम लुकिंग आउट फॉर, आई वांट टू प्ले। हालांकि अक्षय ने शांति को फिल्म एयरलिफ्ट में एक रोल देने की कोशिश की। इसके बारे में बताते हुए शांति ने कहा कि मैं कुछ भी छुपाना नहीं चाहती हूँ। मुझे अक्षय के सेक्रेटरी से फिल्म एयरलिफ्ट के लिए कॉल आया था। मैं काफी खुश थी कि चलो, कोई तो मेरे साथ खड़ा है, लेकिन इसके बाद मुझे कॉल नहीं आया। मैंने अक्षय को कई मैसेज भी किए, लेकिन उन्होंने कोई रिप्लाई ही नहीं दिया, और उसके बाद से मैं उनके टच में नहीं हूँ। शांति ने आगे हंसते हुए कहा कि शायद वो अब अपनी पहली हीरोइन को भूल गए हैं। इसके अलावा शांति ने 1994 आई फिल्म इक्के पे इक्का पर अक्षय द्वारा अपने साथ किए गए भद्दे मजाक के बारे में बताते हुए कहा कि हम लोग फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो मैंने शॉर्ट ड्रेस पहना था। इसमें मैंने स्किन कलर के स्टॉकिंग्स पहने हुए थे, तो इसमें मेरे घुटने पूरी तरह से दिख रहे थे। अक्षय, जो कि काफी मस्ती करते हैं, लेकिन मजाक करने का भी एक तरीका होता है। इतने सारे लोग बैठे थे और अक्षय ने अचानक से बोला कि क्या तुम्हारे घुटनों में चोट लगी है? फिर हंसकर बोले, देखो कितने काले हैं ये। इसके अलावा शांति ने बताया कि उन्होंने अपने पति सिद्धार्थ रे के निधन के बाद दूसरी शादी अपने दो बच्चों के कारण नहीं की। शांति को लगा कि उन्हें दूसरी शादी ना करके अपने बच्चों की परवरिश पर ध्यान देना चाहिए। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब लहरें।